हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे खाने के बाद खाया जाने वाला एक पॉपुलर डेजर्ट जिसका नाम है पान शॉट्स। पान शॉट्स को आप मीठे पान के अल्टरनेट की तरह भी कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर आप वेगन हैं देन ऑल्सो डू वॉच आउट द रेसिपी, क्योंकि मैंने इसको वेगन तरीके से बनाना भी बताया है। तो चलिए देखते हैं पान शॉट्स बनाने के इंग्रेडिएंट्स। पान शॉट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 3 पत्ते पान के, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच कोकोनट पाउडर या डेसिकेटेड कोकोनट, 2 चम्मच सौंफ, 3 ग्लेज चेरीज, 3 चम्मच गुलकंद, 3 चम्मच ठंडा दूध, 3 स्कूप वैनिला आइसक्रीम, लगभग 10 आइस क्यूब्स, कुछ फाइनली चॉप्ड पान का पत्ता और कुछ फाइनली चॉप्ड पिस्ता और कैश्यूज। शुरुआत करते हैं सौंफ को भिगाने से। मैं सौंफ में थोड़ा सा पानी मिला लूंगी और 10 मिनट के लिए इसको भिगो के छोड़ दूंगी। इससे सौंफ थोड़ा फूल जाएगी और पीसने में इजी होगा। और मैंने आइसक्रीम और आइस क्यूब को फ्रीजर में रख दिया है ताकि वो मेल्ट ना हो, जब तक हमें उनकी जरूरत ना पड़े। 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं सौंफ हमारी काफी फूल गई है। अब हम इन इंग्रेडिएंट से बनाएंगे एक ड्राई सेमी ड्राई पान पेस्ट, जिसको आप अपने फ्रिज में 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकेंगे, और आपको जब भी पान शॉट्स बनाने का मन हो आप पेरिशेबल इंग्रेडिएंट्स डालकर पान शॉट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है एक मिक्सर ग्राइंडर, उसमें मैंने सबसे छोटे वाला जार लगा लिया है और उसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी गुलकंद, भीगी हुई सौंफ, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दूंगी, डालेंगे इसमें कोकोनट, चेरीज और पान के पत्ते हाथ से ही तोड़ लेंगे। इनकी पीछे की डंडी को मैं निकाल दूंगी। पान के पत्ते आप अपने घर में लाकर रख सकते हैं, और इन्हें पानी में डालकर एक बर्तन में अच्छे से पानी डाल के भिगो दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, तो 1 हफ्ते तक पान के पत्ते खराब नहीं होते। अब इसको कर लेंगे ग्राइंड। मैं इसमें 1 चम्मच पानी डाल लेती हूँ, ये अभी काफी ड्राई लग रहा है और पेस्ट बनने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सिर्फ 1 चम्मच ताकि अच्छे से पिस सके। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पिस गया है, एक फाइन सेमी फाइन पेस्ट बन गया है। अब हम बनाएंगे इससे पान शॉट्स। अब पान शॉट्स बनाने के लिए एक बड़े जार में हम डालेंगे पान पेस्ट जो हमने प्रिपेयर किया था, चीनी, दूध, बर्फ और आइसक्रीम। अगर आप वेगन हैं तो यहाँ पे आप मिल्क को कोकोनट मिल्क से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और वैनिला आइसक्रीम को आप वेगन वर्जन ऑफ वैनिला आइसक्रीम से रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको करेंगे अच्छे से ब्लेंड। हमारा पान शॉट रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ फाइनली चॉप्ड पान के पत्ते। पान के पत्ते डालना ये ऑप्शनल है, कुछ लोगों को पान के पत्ते मुंह में आना पान शॉट्स में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ, और डालूंगी कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, एक चीज और, पान शॉट्स बनाने में मैंने 3 चम्मच दूध डाला था। आपको अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस पान का फ्लेवर चाहिए तो आप दूध को स्किप करके 3 चम्मच पानी डाल लीजिए, या फिर 2 आइस क्यूब ज़्यादा डाल लीजिए। अब करते हैं इसको सर्व करने की तैयारी। पान शॉट्स सर्व करने के लिए करते हैं पान शॉट्स के ग्लासेस का डेकोरेशन। उसके लिए मैंने 1 कटोरी में 5 से 6 चम्मच पानी लिया है, 1/2 चम्मच पिसी हुई चीनी और कुछ चीनी ली है दूसरी कटोरी में। अब मैं पानी में पाउडर चीनी को मिक्स कर दूंगी
और एक शॉट ग्लास को लूंगी। हमें इसकी बाउंड्री पे पहले तो ये मीठा पानी लगाना है और उसके बाद इसे चीनी में डुबोना है। पानी में चीनी डालने से उसकी चिपकने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और वो चीनी को अच्छे से चिपका के रखेगा। थोड़ा एजेस तक ही डालना है और चीनी में डिप कर देंगे। हल्का सा रोटेट कर लेंगे ताकि चारों तरफ से चीनी लग जाए। एंड देन वी आर गुड टू गो। लुक एट दिस। इसी तरह से बाकी शॉट ग्लासेस भी तैयार कर लूंगी। हमारी शॉट ग्लासेस रेडी हैं। अब डालते हैं इसमें हमारा पान सिरप। करते हैं कुछ चॉप ड्राई फ्रूट से इनकी गार्निशिंग। साथ में डाल देते हैं कुछ चॉप्ड पान का पत्ता। यहां पर हमारे पान शॉट सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हमने जितने इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे उससे लगभग 10 पान शॉट्स की क्वांटिटी प्रिपेयर हुई है और आपके सामने मैंने 6 पान शॉट्स सर्व करके दिखाए हैं। तो ये थी पान शॉट्स की रेसिपी। डू ट्राई इट आउट एंड लीव योर फीडबैक्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने मॉम्स फूड स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन बिलो। फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड बाय।